योगी कैबिनेट से टाइगर रिजर्व को मंजूरी। बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा बाघों का वास। चित्रकूट में पर्यटक सुनेंगे बाघों की दहाड़। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर क्षेत्र में विकास को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस क्षेत्र में कई परियोजनाएं तो सरकार चला ही रही है, साथ ही साथ अब यहां पहला टाइगर रिजर्व बनने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। ये टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में बनाया जाएगा। चित्रकूट के अति पिछड़े पाठा क्षेत्र में रानीपुर वन्य जीव विहार में बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। बता दें कि योगी सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है और इसी को लेकर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है, ताकि इस पूरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों आ सके। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होगा, साथ ही प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा जा सकेगा। चित्रकूट जिले में ये टाइगर रिजर्व 52,000 हेक्टेयर में बनेगा, जिसमें 23,000 हेक्टेयर में बाघों का प्राकृतिक वास बनेगा। इसके आसपास कोई भी गांव नहीं होगा। वहीं सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सरकार के इस कदम की जमकर सराहना की। तो मैं अपनी तरफ से जनपदवासियों को बधाई देना चाहूँ, क्योंकि बुंदेलखंड में पहला टाइगर रिजर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषित किया है और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व हुआ। आप जानते हैं जहाँ भी पूर्व में टाइगर रिजर्व बने हैं तो वहाँ पे इन टाइगर्स को देखने के लिए और वन्य जीवों को देखने के लिए काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, जिससे जो बुंदेलखंड क्षेत्र का और खास करके चित्रकूट का एक टूरिस्ट संभावनाओं काफ़ी बढ़ेंगी। इसमें रानीपुर जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में घोषित किया गया है, जिसमें कुछ कोर एरिया है और कुछ बफर एरिया है। तो इसमें मुख्य रूप से जो वहाँ दो गेस्ट हाउसेज हैं उनको डेवलप करके वहाँ पे टूरिस्ट के रहने की व्यवस्था की जाएगी। दो स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, टिकटिंग एरिया बनाया जाएगा और सफारी और बाकी प्रबंध किए जाएंगे। तो इसके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट बना के वन विभाग की तरफ से यहाँ वन विभाग को शासन को प्रेषित किया जाए और उसकी स्वीकृति के बाद ये काम कराए जाएंगे। और इससे जो बुंदेलखंड और चित्रकूट में जो एक धार्मिक टूरिस्ट होता है, उसके साथ साथ इको टूरिज्म को भी यहाँ बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो वहाँ रानीपुर क्षेत्र में रहते हैं उनको भी इसमें रोजगार की सुविधा मिलेगी। बता दें कि पिछली सरकारों में बुंदेलखंड क्षेत्र की काफी अनदेखी की गई, मगर जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता मिली है। यही वजह है आज बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। चित्रकूट में बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र की तमाम दुश्वारियां दूर होगी। पर्यटकों को घूमने के लिए यहां बेहतर सड़कें होंगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र की बदहाली दूर होगी, साथ ही चित्रकूट को पर्यटन क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।